बड़े पीर साहब से तावीज लाई हूँ आपके लिए। उनका तावीज कभी गलत नहीं होता, मगर शर्त यह है कि दोनों तरफ को आग बराबर लगी हुई। उधर तो कुछ इधर से भी ज्यादा है। फिर तो क्षमा परवाने का मेल होकर ही रहेगा। लाइए उनकी तस्वीर, मैं ये दूसरा तावीज भी बांध दूं। ये तावीज आप मुझे दे दीजिए, मैं बांध दूंगी। क्यों, डरती हैं कि मेरी उन्हें नजर ना लग जाए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर लाइए तस्वीर, मैं भी एक नजर उस खुश नसीब को देख लूं। लो जी, भर के देखो। कैसे हैं? बहुत अच्छे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। देर कर दी तुमने। नहीं, देर नहीं हुई, रास्ता भूल गई थी। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप? हाँ, क्यों, क्या बात है, क्या हो गया तुम्हें? जी, कुछ भी तो नहीं। क्षमा, आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं तो बहुत खुश हूँ अमान साहब। आज का मुकाबला तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर देगा। इनकलाब तो आ भी चुका है। फिर तो आज की जीत तुम्हारे कदमों पर है। जी, ये कुछ ऐसी ही बाजी है, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। ठीक कहती हो शमा, जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार नहीं। लखनऊ से आफ्ताब का तार है, वो आज रात की गाड़ी से शेखर के साथ आ रहा है। अच्छा, शबनम को तो कह दूं जाके। चलो अच्छा हुआ, इस बहाने हम भी आपके होने वाले दामाद को देख लेंगे। हाँ वो शबनम। जी अम्मी। शबनम, उठकर कपड़े बदल लो, लखनऊ से तार आया है, आफ्ताब आ रहा है। शबनम, मैं माँ होकर तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटी, अपनी तबीयत संभालने की कोशिश कर, अमान का ख्याल दिल से निकाल दे, भूल जाओ उसे। काशी मुमकिन हो ना रो मेरी बच्ची, अगर तेरे अब्बा जान आ गए तो खैर नहीं, जब मेरी जान ही नहीं रहेगी तो अब्बा जान किस पर बिकेंगे। शबनम। कहता है अम्मी जान, आपके हाथ तो मेरी डोली नहीं, मेरा जनाजा जाएगा। ऐसा ना कर बेटी, अल्लाह ऐसा ना करे, अल्लाह ऐसे ही कर। नहीं मेरी बच्ची, चल मेरे साथ, चल। क्या बात बेटी, रोके रही हो? नहीं तो बाजा, ये तो खुशी के आंसू है, मैं अपनी जी अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ। तुम्हें क्या शक है बेटा, अमान साहब ने जो हमारा साथ दिया है। घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मदद कर, सब ठीक हो जाएगा, घबराओ। क्या हुआ आपा को? कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ। शबाब जी, जल्दी करो बेटा। अच्छा, क्या हुआ आपा? आज के मुकाबले में तो बड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए, तुम अगर दिल तोड़ दोगे तो क्या होगा? ठहरो, मैं तुम्हें अब भी दुल्हन की तरह सजाई देती हूँ। मेरी अच्छी आपा।
ना तो कारवा की तलाश है, ना तो कारवा की तलाश है, ना तो हम सफर की तलाश है, ना तो कारवा, ना तो कारवा, कारवा की तलाश है, ना तो, ना तो, ना तो कारवा की,
से रोटी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोटी ना गई। इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोटी ना गई। क्योंकि वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, अगर मांगे तो हम जान भी दे दें। ये जान तो क्या चीज है, ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। नाज़ो अंदाज़ से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मजहब इश्क की हर रस्म पड़ी होती है, हर कदम पर कोई दीवार खड़ी होती है। मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है। इश्क जिस आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों, उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है। इश्क इश्क ना पूछे है, इश्क ना पूछे दीन धर्म नो, इश्क ना पूछे जाता, इश्क के हाथों कर लहू विच घुटिया लख पराता दियो दे। इश्क कठिन है इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है। इश्क बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है,
गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क इंतहा यह के बंदे को खुदा करता है इश्क। जजाक अल्लाह, सलामत रहो बेटा, मैं मुकाबला हार कर भी तुमको दाद देता हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। ऐसे है, आज हमने बाजी जीत ली है, हम मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अल्लाह तुम्हें बामराह करे बेटा, तुमने हम गरीबों की लाज रख ली। लेकिन शमा, ये तुम्हें क्या हो गया? आज का दिन तो हमारे लिए ईद का दिन है ना? हाँ, ईद का दिन। अमान। शमा। सही नसीब। तशरीफ लाइए। क्या हुआ आपको? तशरीफ लाइए। शेखर, शबनम के अब्बा के हुक्म की तानील बहुत हो चुकी, अब मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। आज मैं अपनी बेटी की खुशी किसी को नहीं छीनने दूंगी। गुस्ताखी माफ बेगम साहबा, शबनम बहन मेरे लिए कम अजीज नहीं, अमान तो मेरा जिगरी दोस्त है, लेकिन मैं फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। आप मुझे मत रोकिए। नहीं, रास्ते हट जाओ, अमान को खुदा ही बचा सकता है। नहीं नहीं, खुदा के वास्ते ऐसा ना कहिए। बेगम, मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपसे शबनम की खुशियों की भीख मांगती हूँ। बेगम, चाचा जान, चाचा जान, आफ्ताब, उठो बेगम, शबनम किसकी अमानत है, वो आ गया। लेकिन चाचा जान, शबनम मेरी नहीं, अमान की अमानत है, जिसे आप मुझे छीन कर दे रहे हैं। कानून की निगाह में भले ये कोई गुनाह ना हो, लेकिन अल्लाह ताला के सामने हम दोनों के सर नीचे हो जाएंगे। हाँ चाचा जान, अमान मेरा दोस्त है और शबनम के लिए हर तरह से काबिल है। आप मुझे अपना सिरा उसके सर मानने की इजाजत दे दीजिए। आफ्ताब, तुमने ये कह के मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं किन अल्फाजों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। ऐसा मत कहिए चाचा जान, खुदाए तालो को यही मंजूर था। अमान, अब जानिए हमें माफ कर दे। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात।